बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले से हॉल विच मौजूद असाबा इकराम नूं और दुनिया भर तो आए हुए सरदार वीरां नूं, पंजाबियां नूं, स्टेज से मौजूद वीरां नूं और आसम चौधरी सब नूं सब का शुक्रिया भी और सब पुजी आया हूँ और बहुत शुक्रिया कि तुसी मैंने मौका दिता इतने गलबात करन दा। मैं वेले नूं देखदा हाँ और सारे दी उकताहट देखदा हाँ, अपनी गल नूं कोशिश करांगी कि जिन्ना मुख्तसर हो सके उन्ना करां पर गल कर जां। सारे सरदार वीरां ने गल कीती कि साडा पंजाबियां ने पाकिस्तानियां ने बहुत दिल खोल के स्वागत किया और दूजा ये कि सानू इत्थे आके अपना गलबात करके बहुत चंगा लगा, नेड़ता हुई। देखो जुबान का ताल्लुक जमीन के नाल हुंदा है, ये तो कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता। और जड़ी साढ़े देश की हकीकत है वो हकीकत है और हाँ हमसाया के नाल कहो जहा सलूक करना चाहिए है और अपने दूजे जड़े मजहब के लोग ने अपने जी ने और जमीन के नाल जड़े जुड़े हुए हैं उन्होंने कहो जहा संबंध होना चाहिए है। ये बारे साढ़े प्राइम मिनिस्टर ने सोचा और तुहानू हैरानगी होगी कि पता नहीं की गल है जड़िया बड़िया हस्तियां ने मतलब जिमें आख्या कि जमीन तो जुबान का बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो गुरु नानक जी का वो शब्द जरा मेरे घूम रहा कि आज सच जुगाद सच हैसी सच नानक होसी भी सच। सच एक बहुत बड़ा सच है जो तो तुम इनकार नहीं कर सकते और ये सच देखो कि ये सच जमीन का और जुबान का सच है और दूजा सच मोर प्यार का है और साढ़े मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये पैगाम है कि ये जुड़त जी है ना ये कोई मतलब कोई छोटी चीज़ नहीं है। साढ़े प्राइम मिनिस्टर ने अगर ये बुआ खोलिया तो उन्होंने पता है कि जिस तरह साढ़े वास्ते उन्होंने अपनी शायद तकरीर भी आख्या कि जिमें मुसलमाना वास्ते मक्का और मदीना है इस तरह सरदारा वास्ते पाकिस्तान की धरती जी है वह जी उन्होंने नज़र के स्थान है। सो ये खोलना चाहिए ताकि तुसी देख सको आ सको मत्था टेक सको और तुहाडा स्वागत करना ये साढ़े ते वाजिब है फर्ज है। सो असी पूरा किया और अज एक होर गल मतलब दसा कि अपने डिपार्टमेंट की नुमाइंदगी कर रहा हाँ कि पिछले साल असी 28 नवंबर को पंजाब यूनिवर्सिटी की तारीख के पहली बारी बाबा नानक इंटरनेशनल सैमीनार असी इनका इरादा किया और 28 नवंबर है सी ते इनू हुस्ने इतफाक हो कि उस दिन लांघे का ऐलान होया और उस वेले सानू थोड़ा जिहा बड़ा बुरा लगा कि देखो हुण असी चूंकि गवर्नर ने भी आना सी गवर्नर साहब नहीं आणगे की बनेगा पर कि जिहड़ी फिर मन नूं ख्याल है कि नहीं ये बाबियां की गल बाबे जानन तेरा जो काम है तू वो कर सानू बस इस सुनेहे नूं इस पैगाम नूं अगे पहुँचाना चाहिए बाकी वो जानन। सो बड़ा वो और उस प्रोग्राम दे विच साडे वाइस चांसलर साहब ने पंजाबी डिपार्टमेंट ओरिएंटल कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी विच जिहड़ा पंजाबी पढ़ाने का सब तो मुढ़ला और बड़ा अदारा है और 1869 तो उतों कायम है उस प्रोग्राम के उन्होंने बाबा गुरु नानक चेयर का ऐलान किया। सो ये मेरा ख्याल है कि तुम तो सुन के खुशी होगी और हम असी सीरीज पूरी एक जी प्रोग्राम की है साढ़े को स्वीडन तो अमेरिका तो और कैनेडा तो लोग आए हैं और अज उस सिलसिले की कड़ी जी सी सरदार अमनदीप सिद्धू जी का लैक्चर से इन्होंने अज साढ़े डिपार्टमेंट आए और बहुत वधिया बहुत अच्छा लगा और बहुत यादगार जी कमाल का जुमला से इन्होंने बोलिया। उन्होंने कहा कि इमरान साहब ने यह जड़ा लंघा खोलिया ना भैन जी ये मैनू उंज की ही एक
ਫੀਲਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉੱਭਰ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹਨਾਂ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਇੰਨਿਆਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਇੰਨਿਆਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਸੁੱਖ ਸਕੂਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਮਜ਼ਮੂਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣੇ, ਡਾਕਟਰ ਹਿਨਾ ਖਾਨ ਦਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਕਾਸ਼ਮੀਰੀ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰ ਰੂਮੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰੂਮੀ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਦਾ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਉਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਸੰਜੀਦਾ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਫੋਰਮ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਾਲਜ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਵੀ ਜਾਏਗੀ। ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 2002 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 2002 ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮੁਖੀ ਵੀ ਆਏ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਦੇਣੇ ਸਿੱਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਲਿਆਣ ਇਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਔਰ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ। ਔਰ ਆਖਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਸੱਚ ਦੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਔਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਨਾ ਮੇਲਾ ਨਾ ਧੁੰਦਲਾ ਨਾ ਪਗਵਾ ਨਾ ਕੱਚ, ਨਾਨਕ ਗਾਲੋ ਨਾਲ ਹੈ ਸੱਚੇ ਰਤਾ ਸੱਚ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।